हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बिहार स्पेशल से टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब आपको नहीं पता हो उसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 2023 तक। ध्यान रखेंगे, पटना एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा 2023 तक। ये किसने घोषणा किया है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिला में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, पटना जिला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, वंदना कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 7054। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के सबसे पास में है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, तीसरे पंचवर्षीय जो योजना था उसमें बरौनी में, बिहार के बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम क्या है जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई? फ्रेंड्स, हर एक सवाल काफी वीवीआई है, इसीलिए आप ध्यान से हर एक सवाल को देखिएगा, समझिएगा। जिसका जवाब नहीं पता हो उसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपालगंज सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार धर्मा स्वामीन तिरहुत आया था, बताना है किस ईस्वी में आया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 1234 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली ब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक जो उपनाम है वो धारण किया था? मैंने पीछे वाले वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही जवाब, स्ट्रेबो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार शरीफ का विजय था, जिसे उदंतपुरी का विजय भी कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विजय था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, हैदर अली खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में छपरा जेल में बिहार मतलब कैदी थे, उन्होंने हड़ताल किया था। किस तरह का? नंगी हड़ताल, मतलब कपड़ा नहीं पहनने के वो लोग जिद पे थे, क्योंकि उन्हें स्वदेशी वस्त्र चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है सही जवाब, नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 1928 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, उदय कांत मिश्र को अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का कौन सा व्यक्ति है जिसने ट्रू कॉलर की तर्ज पर 15 अगस्त 2021 को भारत कॉलर ऐप बनाया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रज्वल सिन्हा। ध्यान रखेंगे, प्रज्वल सिन्हा है जो ट्रू कॉलर के ही जैसा एक ऐप बनाए हैं जिसका नाम है भारत कॉलर ऐप। किस दिन को ये लॉन्च हुआ? 15 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बोधगया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन बिहार में कितने सरकार यानी कितना प्रमंडल था बताना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 7 प्रमंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? पीछे वाले क्लास जो मैंने बिहार स्पेशल कराया था उसमें आपको यह बताया था। जगलाल चौधरी हो जाए, जगत लाल चौधरी था। ऑप्शन नंबर डी, जगलाल चौधरी या जगत लाल चौधरी, जो भी दे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया षड्यंत्र केस घटना कब घटी? जनवरी 1933 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज कथा पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन बाबू बाबू नहीं फ्रेंड्स, ये बाल मुकुंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही जवाब, बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा जो था पत्रिका उसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कितने जगहों पर हुई थी? चुनाव जो है वो कितने जगह पर हुआ था यह बताना है। 152। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वह है किस तरह का पर्वत? नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एबीसी अकेडमी के प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो एक बार आप आकर जरूर चेक कर लीजिएगा, काफी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, पश्चिम चंपारण में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा? मुंगेर है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा जो कि बिहार स्पेशल से था। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारा प्रैक्टिस सेट एबीसी अकेडमी पर अपलोड होते रहेगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, आपके सर्टिफिकेट बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक्स।